आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी का कितने तरीके से हम पता लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैडम मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, मैं कैसे पता लगा सकती हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी जानना है कि क्या मैंने गर्भधारण कर लिया है। क्योंकि जो लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और वो यही सोचते हैं कि मेरी पीरियड डेट से पहले ही मुझे ये क्लियर हो जाए कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं पर चैनल को बराबर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहला हम प्रेगनेंसी से पता लगाने के लिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो इजी होता है, आप घर में भी उसको कर सकते हो, प्रेगानूस का प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड ला करके। उसमें कुछ बूंद यूरिन डालनी होती है, पूरी प्रोसीजर उसके ऊपर लिखी रहती है कि आपको कितने बूंद यूरिन डालना है और कितने मिनट आपको इंतजार करना है। जो मेथड उसमें दी देती है उसी मेथड से आपको उस टेस्ट को करना है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट हम कब कर सकते हैं? जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है आप 1-2 दिन बाद ही टेस्ट कर लेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, उसमें 2 लाइन शो हो रही मतलब पॉजिटिव है, 1 लाइन शो हो रही मतलब वो नेगेटिव है। अगर उसमें 2 लाइन आ रही, एक डार्क आ रही और एक लाइट आ रही, तो इसका मतलब भी प्रेगनेंसी है आपको, आपने गर्भधारण कर लिया पर वो अभी कम टाइम की है, अर्ली प्रेगनेंसी है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी करके देख लिया। नॉर्मली हम पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद टेस्ट करते हैं। अगर आप 1 हफ्ते बाद टेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा। तो पहला तरीका होता है प्रेगनेंसी कंफर्म करने का कि प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। ओके, दूसरा तरीका होता है बीटा एससीजी टेस्ट के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है नहीं है। कई बार ही ऐसा होता है कि पेशेंट के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, पीरियड मिस हो गया है, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है और प्रेगनेंसी टेस्ट भी हमने 4-5 बार करके देख लिया है, पर वो हर बार मैडम नेगेटिव बता रहा है और मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण भी आ रहे हैं, यानी कि जी मचलना, थोड़ा बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो गया, अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण मुझे आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? अगर टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि चलिए आप अपना बीटा एससीजी टेस्ट करवा लो, उसकी वैल्यू हम चेक कर लेंगे कितनी वैल्यू उसकी आ रही है, फिर हम अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो बीटा एससीजी टेस्ट के लिए आपको अपना ब्लड का सैंपल देना रहता है, ये सीरम से होता है और इसका जो रिजल्ट है 7-8 घंटे में या 24 घंटे में मिनिमम मिल जाता है आपको। फिर जब आप बीटा एससीजी टेस्ट करवाते हैं तो वो रिपोर्ट आपके डॉक्टर देखते हैं कि इसमें बीटा एससीजी हार्मोन्स का कितना लेवल आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है। तो अगर आपकी बीटा एससीजी हार्मोन्स की वैल्यू less than 5 आ रही है, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है। अगर 5 इंटरनेशनल यूनिट से ऊपर आ रही है, जैसे 50, 100, 200, 300, 500, 2000, 5000, 10000, तो आप प्रेग्नेंट है। ठीक है, डॉक्टर को बता ले कि भाई इस रिपोर्ट में क्या आया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बीटा एससीजी हार्मोन्स है वो यूरिन में कभी कभी थोड़ा लेट आता है, पर ब्लड में सबसे पहले जैसे बच्चा की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, महिला गर्भधारण कर लेती है, तुरंत बीटा एससीजी ब्लड में सीक्रेट होने लग जाता है। तो पीरियड मिस होने से पहले भी हम बीटा एससीजी हार्मोन्स का टेस्ट अगर करवा लेते तब भी अगर आपने गर्भधारण कर लिया तो उसकी वैल्यू बढ़ी हुई आती है और बीटा एससीजी टेस्ट कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अगर हमको लगता है कि भाई हाँ इसकी वैल्यू अभी कम आ रही है, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है फिर भी, तो हम 1-2 बार 2-3 दिन का गैप दे दे करके फिर से बीटा एससीजी टेस्ट करवा लेते, ताकि उसमें क्लियर हो जाता है कि वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, जिससे कि हम एक अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ कैसी हो रही है। ठीक है, इसके बाद तीसरा टेस्ट होता है जो कि अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में भी हम क्लियर पता कर सकते हैं, क्योंकि सोनोग्राफी तो हमको करवाना ही रहती है कि प्रेगनेंसी आपकी किधर है। प्रेगनेंसी टेस्ट से आप पता कर सकते हैं आप प्रेग्नेंट है या नहीं, बीटा एससीजी से आप कर सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, पर
पर प्रेगनेंसी किस जगह ग्रोथ कर रही है बॉडी में, वो हम सोनोग्राफी के द्वारा ही क्लियर कर सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही क्लियर होगा कि भाई आप प्रेग्नेंट है, पर वो प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ग्रोथ कर रही है कि ओवरी में है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या एब्डोमिनल में कहीं प्रेगनेंसी है आपको। तो अगर आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो उसके लिए बच्चे का बच्चेदानी के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी होना जरूरी है, तभी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, भगवान करे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी को ना हो, पर फिर भी हो जाती है कई पेशेंट को, तो ऐसे में हमको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है उसको रिमूव करने के लिए। तो वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन बन रही है अभी, आपकी कैसी हालत है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है, और उस हिसाब से डॉक्टर तुरंत एक्शन लेता है। कई बार ही अगर ट्यूब में बीच में है या फंडस में है, और डॉक्टर देखते कि बेटा एसटीजी हार्मोन्स का लेवल कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, 750, 1000, तो ऐसे में एक इंजेक्शन को देकर के उस प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब इंजेक्शन लगने के 4-5 दिन के बाद में फिर से हम बीटा एससीजी टेस्ट करवाते हैं, उसके 4-5 दिन बाद फिर बीटा एससीजी टेस्ट करवाते हैं, उसमें नोट करते हैं कि बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले से। अगर वो डाउन नहीं होता है तो फिर भी ऐसी कंडीशन में सर्जरी करके, यानी कि लैप्रोस्कोप से सर्जरी करके उस बेबी को हटाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि हम 3 तरीके से प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं, और अगर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके डॉक्टर साहब खुल के बात नहीं कर सकते, तो हमारी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, जो भी डाउट्स है आपके मन में वो क्लियर कर सकते हैं। अब वो आपका पर्सनल कंसल्टेशन रहता है, इसलिए उसमें फीस पे करनी पड़ती है, वो फ्री नहीं होता है। तो अगर आपको हमसे बात करना है तो जो नंबर दिया गया है ये मेरी टीम का नंबर है, उधर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।